सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से eLots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। छठी से दसवीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने, खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। DSE और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1,00,000 स्टूडेंट्स को 10-10,000 रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें, बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर। और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विथ इंस्पायर अवार्ड्स मानक। नमस्ते विद्यार्थियों, आप सबको देखकर खुशी हुई। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक कहानी से करें? एक बार एक जहाज तेज तूफान में फंस गया। एक नौजवान नाविक को निर्देश दिया गया कि वो ऊपर चढ़कर जहाज की पाल को ठीक करें। आधी दूरी तक चढ़ने के बाद जब उसने नीचे देखा तो उसे चक्कर आने लगे। एक बूढ़े नाविक ने उससे कहा, बेटा बस ऊपर की तरफ देखते रहो। उस नौजवान ने ऊपर देखा, खुद को संभाला और अपना काम पूरा किया। ये कहानी हमें क्या बताती है? एक बूढ़े नाविक को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, तूफान के समय पाल ठीक करने नहीं जाना चाहिए, कठिन परिस्थितियों में नीचे की जगह ऊपर देखना बेहतर होता है। यह संभव नहीं है कि हमेशा आपके साथ एक बूढ़ा नाविक हो और खराब मौसम में पाल को ठीक करने के लिए ऊपर चढ़ना ही पड़ता है, इसीलिए ये दोनों विकल्प अनुचित हैं। क्या आपने कभी ऊंचाई से नीचे देखा है? सीढ़ी चढ़ते वक्त, बड़ी चक्री पर झूलते वक्त या फिर किसी पेड़ या पहाड़ी से? तब आपको कैसा लगा? क्या आप अपना अनुभव बताना चाहेंगे? अपने अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। चलिए फिर से उस कहानी के बारे में बात करते हैं। जो बात एक वास्तविक तूफान के लिए सत्य है, वो बात जीवन में आने वाले तूफानों के लिए भी सत्य है। जीवन में लोगों को कई प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि गंभीर बीमारी, बहुत ज़्यादा चोट लगना, हानि, निराशा इत्यादि। ऐसी घटनाओं से
तनाव पैदा होता है। मानसिक तनाव का मतलब है कठिन परिस्थितियों में पैदा होने वाला मानसिक या भावनात्मक दबाव जिसे हम सहन नहीं कर पाते। मैं दोहराता हूं, मानसिक तनाव का मतलब है कठिन परिस्थितियों में पैदा होने वाला मानसिक या भावनात्मक दबाव जिसे हम सहन नहीं कर पाते। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? क्या आपने कभी ऐसी परिस्थिति का सामना किया है जिसमें आप ये सोचकर स्तब्ध रह गए कि इस परिस्थिति से बाहर नहीं निकला जा सकता, या आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो ऐसी किसी परिस्थिति में फंस चुका हो? अगर आप चाहें तो इसके बारे में किसी करीबी दोस्त को बता सकते हैं, या फिर इस बारे में मन में सोच सकते हैं। इस बारे में बताने के लिए धन्यवाद। तूफान की तरह ऐसी घटनाओं से भी हानि पहुंचती है और हमारा सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, पर अगर हम तूफान से निकलकर बच जाएं तो स्थिति को फिर से सामान्य करना संभव है। तूफान हमेशा नहीं रहता, थम जाता है। उसी तरह कठिनाइयां भी हमेशा नहीं रहती, उनकी तीव्रता कम हो जाती है। तूफान का परिणाम बहुत दर्दनाक होता है, पर उसे ध्यान से संभाला जाए तो बुरी से बुरी परिस्थिति से भी बाहर निकला जा सकता है। मानसिक तनाव कई रूप में हमारे सामने आता है। तनाव कब होता है? जब हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना भावनात्मक रूप से करते हैं तो तनाव होता है। तनाव सकारात्मक और नकारात्मक हो सकता है। मैं दोहराता हूं, जब हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना भावनात्मक रूप से करते हैं तो तनाव होता है। तनाव सकारात्मक और नकारात्मक हो सकता है। सकारात्मक तनाव का क्या अर्थ होता है? कल्पना कीजिए कि आप एक दौड़ में भाग ले रहे हैं। आप बहुत उत्सुक हैं, अन्य प्रतियोगी भी बहुत अच्छे हैं और आप उनसे दौड़ में जीतना चाहते हैं। इस वक्त आप जो तनाव महसूस कर रहे हैं वो सकारात्मक तनाव है। सकारात्मक तनाव तब होता है जब हम किसी काम को करने के लिए उत्सुक और प्रोत्साहित होते हैं, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी होती है। इससे हमें चुनौतियों का सामना करने की ताकत मिलती है। हम पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ पाते हैं और अपना काम पूरा करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा तनाव अनुभव किया है जब आपने किसी प्रतियोगिता में भाग लिया था? क्या इससे आपको अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिली? क्या आप इस बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। आइए अब नकारात्मक तनाव के बारे में बात करते हैं। आप परीक्षा देने जा रहे हैं। आप समय से पहले ही स्कूल के लिए निकल गए, पर रास्ते में आपकी साइकिल पंक्चर हो गई। अब साइकिल को कहीं भी छोड़कर किसी और साधन से स्कूल नहीं जा सकते। साइकिल ठीक करने वाला देर से आया और परीक्षा शुरू हुए 20 मिनट हो चुके हैं। आप क्या सोच रहे होंगे? क्या आप खुश होंगे, परेशान होंगे या तनाव में होंगे? एक, खुशी। दूसरा, परेशानी। तीसरा, मानसिक तनाव। आप बहुत ही ज्यादा तनाव में होंगे। इस तनाव को नकारात्मक तनाव कहा जाता है। नकारात्मक तनाव तब होता है जब किसी काम को संभालना हमारे बस में नहीं होता।
इससे तनाव बढ़ जाता है और हम सोचने लगते हैं कि इस काम को हम संभाल पाएंगे या नहीं। क्या आपने कभी नकारात्मक तनाव अनुभव किया है, जब आपकी परीक्षा थी या फिर आपको बहुत से कठिन काम करने थे, इस वजह से क्या आपको घबराहट महसूस हुई? क्या दो विद्यार्थी आगे आकर अपने अनुभव के बारे में बताना चाहेंगे? धन्यवाद। इन अनुभवों से हमने क्या सीखा? जो भी व्यक्ति किसी कठिन परिस्थिति में सकारात्मक व्यवहार करता है, वो उस परिस्थिति को अच्छी तरह संभाल पाता है। जब हम ये सोचने लगते हैं कि हम इस परिस्थिति को अच्छी तरह नहीं संभाल पाएंगे, तो हमारा तनाव नकारात्मक हो जाता है। खुद को बदलने से, परिस्थिति के अनुकूल काम करने से और नकारात्मक तनाव को सकारात्मक तनाव में बदलने के तरीके ढूंढने से हम परिस्थिति को संभाल सकते हैं। आइए पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि तनाव क्यों पैदा होता है। जब आपने साइकिल चलाना सीखा था, तब आपके मन में ये डर रहा होगा कि संतुलन बिगड़ जाएगा, आप गिर जाएंगे, चोट लगेगी इत्यादि। इस वजह से आपको तनाव महसूस हुआ होगा। जब आप किसी नए स्कूल में गए, तो आपको नकारात्मक तनाव महसूस हुआ होगा, क्योंकि आपको नए वातावरण, नए लोग और नई चीज़ों का सामना करना था। क्या अपने अनुभव के आधार पर आप बता सकते हैं कि आपको किन परिस्थितियों में तनाव महसूस होता है? क्या आप इसकी सूची बना सकते हैं? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। क्या हम तनाव के कुछ सामान्य और महत्वपूर्ण कारणों के बारे में जानें? तनाव के कारण: पराजय का डर, लंबी बीमारी, गहरी चोट लगना, रिश्ते बिगड़ना, घर में आर्थिक समस्याएं, परिवार में किसी की मृत्यु, वातावरण में बदलाव। क्या आपको तनाव की वजह से कभी बुरे सपने आए हैं, या आपकी नींद उड़ गई है, या फिर बिना वजह डर लगा है? क्या आप इसके बारे में अपने करीबी मित्र को बताना चाहेंगे? अपने अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। आपको स्क्रीन पर नकारात्मक तनाव के लक्षण दिखाए जाएंगे। कुछ चित्र दिखाए जाएंगे जिनके नीचे उनके नाम लिखे होंगे, लेकिन उन नामों के अक्षरों के क्रम को उल्टा पुल्टा किया गया होगा। 3 सेकंड में आपको वे नाम पहचानने हैं। क्या आप तैयार हैं? ये लक्षण कौन से हैं? भूख न लगना, दोस्तों और रिश्तेदारों से दूर रहना, हानिकारक आदतें, आत्महत्या का विचार, चिड़चिड़ापन, नींद न आना, बहुत ज़्यादा सोना, बिना वजह के चिंता करना, बिना वजह के डरना। क्या आप ऐसे लोगों से मिले हैं जिनमें तनाव की वजह से आपने ये लक्षण देखे हों? क्या आप इसके बारे में अपने करीबी मित्र को बताना चाहेंगे? धन्यवाद। क्या अब हम आज के सत्र का सार संक्षेप कर लें?
मानसिक तनाव का मतलब है कठिन परिस्थितियों में पैदा होने वाला मानसिक या भावनात्मक दबाव जिसे हम सहन नहीं कर पाते। सकारात्मक तनाव तब होता है जब हम किसी काम को करने के लिए उत्सुक और प्रोत्साहित होते हैं, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी होती है। नकारात्मक तनाव तब होता है जब किसी काम को संभालना हमारे बस में नहीं होता। तनाव के कुछ मुख्य कारण: पराजय का डर, लंबी बीमारी, गहरी चोट लगना, रिश्तों में तनाव, घर में आर्थिक समस्याएं, परिवार में किसी की मृत्यु, वातावरण में बदलाव। तनाव के लक्षण हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों में दिखाई देते हैं। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। नमस्ते विद्यार्थियों, आप सबसे फिर से मिलकर खुशी हुई। पिछले सत्र में हमने सीखा था कि मानसिक तनाव का मतलब है कठिन परिस्थितियों में पैदा होने वाला मानसिक या भावनात्मक दबाव जिसे हम सहन नहीं कर पाते। सकारात्मक तनाव तब होता है जब हम किसी काम को करने के लिए उत्सुक और प्रोत्साहित होते हैं, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी होती है। नकारात्मक तनाव तब होता है जब किसी काम को संभालना हमारे बस में नहीं होता। तनाव के कुछ मुख्य कारण: पराजय का डर, लंबी बीमारी, गहरी चोट लगना, रिश्तों में तनाव, घर में आर्थिक समस्याएं, परिवार में किसी की मृत्यु, वातावरण में बदलाव। तनाव के लक्षण हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों में दिखाई देते हैं। तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते वक्त लोग कई प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं। कुछ लोग बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं और किसी बात से परेशान हो जाते हैं। कुछ लोगों को सोने और खाने पीने में परेशानी होने लगती है। कुछ लोगों को बिना किसी वजह के डर लगता है या फिर व्यर्थ की चिंताएं होने लगती हैं। कुछ लोगों को अकेलापन अच्छा लगने लगता है। कुछ गुस्सैल हो जाते हैं और कुछ लोगों में आत्महत्या के विचार आने लगते हैं। लोगों को पता है कि कठिनाइयां और परेशानियां मानव जीवन का हिस्सा हैं, पर दुर्भाग्यवश वे ऐसी परिस्थितियों में अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते और सकारात्मक तरीके से उस परिस्थिति को संभाल नहीं पाते। हमने जिन लक्षणों के बारे में चर्चा की वे इसी के परिणाम हैं। इससे हम अगले प्रश्न पर आते हैं। क्या हम कुछ कर सकते हैं जिससे तनाव हम पर हावी ना हो सके? आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या आप में से कोई विद्यार्थी आगे आकर बिना किसी तैयारी के 2 मिनट के लिए कोई भाषण दे सकता है? बहुत अच्छा प्रयास था, धन्यवाद। जब बिना किसी तैयारी के हमें कोई भाषण देने को कहा जाए तो हमें तनाव महसूस होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमारा मजाक ना उड़ाएं। हमें घबराहट होती है कि हम कोई गलती ना कर दें और इस वजह से नकारात्मक तनाव होता है। पर अगर हम इसे एक चुनौती के रूप में लें और ये सोचें कि हमें इस मौके का पूरा फायदा उठाना है तो नकारात्मक तनाव कम हो सकता है। हमें वास्तविकता से सोचना चाहिए और ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए।
नकारात्मक तनाव से बचने के लिए हमें वास्तविक उम्मीदें रखनी चाहिए। मैं दोहराता हूं, नकारात्मक तनाव से बचने के लिए हमें वास्तविक उम्मीदें रखनी चाहिए। जीवन में जानी और अनजानी चुनौतियों का सामना करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कौशल और गुण विकसित करने पड़ते हैं। समस्याओं को हल करना, समय पर सारे काम करना, अच्छी तरह विचारों का आदान प्रदान करना, ये कुछ कौशल हैं जिनसे नकारात्मक तनाव को दूर किया जा सकता है। समस्याओं को हल करने के कौशल से हम समस्या को पहचान पाते हैं और उससे जुड़े मुद्दों को समझ पाते हैं और समस्या को हल करने का सबसे उचित तरीका सोच पाते हैं। इससे तनाव का असर हमारे जीवन पर नहीं होता। समय का पाबंद होने से भी तनाव में कमी होती है। अपनी जिम्मेदारियों को पहचानना और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों को पहले करने से हमारे समय का सदुपयोग होता है और जीवन में कम परेशानियां आती हैं। जब हम अच्छी तरह बातचीत करते हैं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो हम अपने दुख और परेशानियां दूसरों के साथ बांट सकते हैं। ऐसा करने से हमें कम तनाव होता है। क्या अब हमें क्रियाकलाप करें? आपका दोस्त अपनी पसंद के कॉलेज में पढ़ाई के लिए जाना चाहता है पर उस कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कट ऑफ नंबर बहुत ज़्यादा है। प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के लिए उसे बहुत तनाव हो रहा है। एक शुभचिंतक के तौर पर आपने उसे बताया कि सफल होने के लिए किन कौशलों की आवश्यकता है। क्या दो विद्यार्थी इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद, बहुत अच्छा अभिनय था। हमने इससे क्या सीखा? कुछ सकारात्मक कौशल विकसित करने से बहुत मदद मिलती है। नकारात्मक तनाव से बचने के लिए हमें वास्तविक उम्मीदें रखनी चाहिए, कुछ सकारात्मक कौशल विकसित करने चाहिए। क्या अब हम एक और क्रियाकलाप करें? किसी त्योहार के दिन पिकनिक पर जाने के लिए या यात्रा पर जाने के लिए क्या आप समय से पहले उठे हैं? उस दिन आप कितने उत्सुक थे? क्या आप इस अनुभव के बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। जब हम उत्सुक होते हैं और किसी मौके का इंतज़ार करते हैं तो हमें सुबह जल्दी उठने में परेशानी या तनाव नहीं होता। पर जब हम घर के काम करने के लिए या फिर परीक्षा की तैयारी के लिए उठना चाहते हैं तो हमें परेशानी और तनाव महसूस होता है। ये केवल अनुशासन और मानसिक स्थिति की बात है। व्यक्तिगत अनुशासन से तनाव को संभालने में बहुत मदद मिलती है। अनुशासन से तनाव को दूर करना आसान हो जाता है। अगर हम अपना काम अनुशासन से करें तो ज़्यादातर परिस्थितियों में तनाव को दूर किया जा सकता है। अनुशासन की कमी की वजह से कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में हार मान लेते हैं और जीवन की अनजानी घटनाओं का सामना नहीं कर पाते। अनुशासन रखने से कई तनावपूर्ण परिस्थितियों को टाला जा सकता है। नकारात्मक तनाव से बचने के लिए हमें वास्तविक उम्मीदें रखनी चाहिए, कुछ सकारात्मक कौशल विकसित करने चाहिए, अनुशासन से काम करना चाहिए। अब एक और परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। क्या आप या आपके कोई दोस्त सुबह नाश्ता किए बिना स्कूल आए हैं? ऐसी परिस्थिति में
दोपहर के भोजन तक क्या आपका या उनका व्यवहार सामान्य था, या फिर आपको पढ़ाई पर ध्यान देने में परेशानी हो रही थी और तनाव महसूस हो रहा था? क्या दो विद्यार्थी आगे आकर अपनी भावनाओं के बारे में बता सकते हैं? धन्यवाद। सुखमय जीवन जीने के लिए अच्छा आहार और व्यायाम बहुत जरूरी होते हैं। हमने देखा है कि तनाव की वजह से अक्सर खाने पीने की समस्या होने लगती है। पौष्टिक भोजन करने से तनाव को दूर रखा जा सकता है। नकारात्मक तनाव से बचने के लिए हमें वास्तविक उम्मीदें रखनी चाहिए, कुछ सकारात्मक कौशल विकसित करने चाहिए, अनुशासन से काम करना चाहिए, पौष्टिक भोजन और व्यायाम करना चाहिए। अब एक और क्रियाकलाप करते हैं। क्या आपके कोई शौक हैं? जब आप अपने शौक का अभ्यास करते हैं तब आपको कैसा लगता है? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। समय बिताने के सकारात्मक शौक जैसे कि किताबें पढ़ना, चित्रकला, हस्तकला, नृत्य, गायन इत्यादि से भी तनाव कम होता है। ऐसे शौक रखने से हमें रोजमर्रा के जीवन से सुकून मिलता है, हमारा दिमाग ताज़ा हो जाता है और हम अप्रिय घटनाओं के दुखद परिणामों से बच जाते हैं। तो नकारात्मक तनाव से बचने के लिए हमें वास्तविक उम्मीदें रखनी चाहिए, कुछ सकारात्मक कौशल विकसित करने चाहिए, अनुशासन से काम करना चाहिए, पौष्टिक भोजन और व्यायाम करना चाहिए, समय बिताने के लिए सकारात्मक शौक रखने चाहिए। आप एक बिल्कुल नई जगह पर हैं और आपको वहां एक सप्ताह बिताना है। आप वहां किसी को नहीं जानते। अचानक आपको एक परिचित व्यक्ति मिलता है और वो भी एक सप्ताह के लिए आपके आसपास ही कहीं रहने वाला है। आप कैसा महसूस करेंगे? तनाव, चिढ़ना या फिर चिंता मुक्त? तनाव, चिंता मुक्त, चिढ़ना। हम चिंता मुक्त हो जाएंगे क्योंकि जब कोई जाना पहचाना आसपास हो तो हम सुरक्षित महसूस करते हैं, हमें तनाव नहीं होगा और हम चिढ़ेंगे भी नहीं। शारीरिक या फिर मानसिक रूप से सुरक्षित महसूस करने से हमें तनाव नहीं होता। सुरक्षित महसूस करने से हमारी असुरक्षा की भावना दूर होती है, जिससे तनाव दूर होता है। सही तरीका और योजना अपनाने से हम खुद को सुरक्षित महसूस करना सीख सकते हैं। लोगों को जितनी भी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं वे दिमाग में ही हारी या जीती जाती हैं। मैदान में जीतने से पहले हमें कोई भी लड़ाई दिमाग में जीतनी चाहिए। मैं दोहराता हूँ, मैदान में जीतने से पहले हमें कोई भी लड़ाई दिमाग में जीतनी चाहिए। अब एक और क्रियाकलाप का समय है। आपको एक कोचिंग कैंप के लिए केरल जाना है। आपको मलयालम नहीं आती और ना ही अंग्रेजी आती है। उस कैंप के लिए आप खुद को कैसे तैयार करेंगे? क्या तीन विद्यार्थी अभिनय के द्वारा इसके बारे में चर्चा करके दिखा सकते हैं? बहुत बढ़िया अभिनय था, धन्यवाद। तो हम कह सकते हैं
नकारात्मक तनाव से बचने के लिए हमें वास्तविक उम्मीदें रखनी चाहिए, कुछ सकारात्मक कौशल विकसित करने चाहिए, अनुशासन से काम करना चाहिए, पौष्टिक भोजन और व्यायाम करना चाहिए, समय बिताने के लिए सकारात्मक शौक रखने चाहिए, शारीरिक और मानसिक रूप से सुरक्षित महसूस करना चाहिए। क्या अब हम आज के सत्र का सार संक्षेप कर लें? नकारात्मक तनाव से बचने के लिए हमें वास्तविक उम्मीदें रखनी चाहिए, कुछ सकारात्मक कौशल विकसित करने चाहिए, अनुशासन से काम करना चाहिए, पौष्टिक भोजन और व्यायाम करना चाहिए, समय बिताने के लिए सकारात्मक शौक रखने चाहिए, शारीरिक और मानसिक रूप से सुरक्षित महसूस करना चाहिए। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। नमस्ते विद्यार्थियों, आप सबको देखकर खुशी हुई। मुझे यकीन है कि आप सबने बेहतर तरीके से तनाव का सामना करना सीख लिया होगा। अब आपके लिए एक प्रश्न है। आप विश्व के सबसे बड़े खेल आयोजनों से परिचित होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि विश्व में खेल कूद का दूसरा सबसे बड़ा आयोजन कौन सा है? विंबलडन, कॉमनवेल्थ गेम्स या फिर पैरा ओलंपिक्स? एक विंबलडन, दो कॉमनवेल्थ गेम्स, तीन पैरा ओलंपिक्स। सही कहा, वो है पैरा ओलंपिक्स, जो अलग तरह से सक्षम लोगों के लिए आयोजित किया जाता है। इसमें भाग लेने वाले हजारों प्रतियोगी दुर्घटना, बीमारी या जन्म से ही किसी न किसी तरह से असमर्थ होते हैं। बहुत ज़्यादा तनाव और आघात सहने के बाद भी वे उससे उभर कर इन खेलों में भाग लेते हैं। उन्होंने अपने दुख और तकलीफ का सामना कैसे किया होगा, इसकी कल्पना करके ही हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से हम क्या सीख सकते हैं? धन्यवाद। हमने देखा कि जब किसी परिस्थिति को रोका या बदला नहीं जा सकता, तो कभी कभी केवल यही विकल्प बचता है कि हम खुद को उस परिस्थिति के अनुकूल बना लें। हमने देखा कि पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों ने अपने दुर्भाग्य का पासा पलटकर उस परिस्थिति से ऊपर उठने की कोशिश की है। अपनी परिस्थिति पर पूरा नियंत्रण करके उन्होंने विजय प्राप्त की है। अपनी असमर्थता की वजह से उन्हें बहुत तनाव और गहरा आघात पहुंचा होगा, पर वे वहां रुककर उस तनाव का शिकार नहीं बने। उन्होंने अपनी समस्या को अलग नजरिए से देखा। उन्होंने उस समस्या को रुकावट का रूप नहीं दिया और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुट गए। वे बस इस बात पर ध्यान दे रहे थे कि उन्हें क्या हासिल करना है। सामान्य लोगों के लिए जो चीजें सफलता और असफलता दर्शाती हैं, उन्होंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। ज्यादातर लोगों को जो चीज असंभव लगती है, उन्होंने उसे संभव कर दिखाया। ये मुमकिन हो सका क्योंकि उनका दृष्टिकोण सकारात्मक था। 90% सामान्य और समर्थ व्यक्ति वो नहीं हासिल कर सकते जो उन्होंने इतनी कठिनाई के बावजूद हासिल कर लिया। सही कहा ना? तो हमें ये याद रखना चाहिए, विपरीत परिस्थितियों के अनुकूल बनने के लिए हमें चीजों को अलग नजरिए से देखना चाहिए, मुख्य मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए।
सफलता और उपलब्धि के नए पहलू ढूंढने चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए। क्या आप कभी ऐसे किसी व्यक्ति से मिले हैं जिन्होंने अपनी अक्षमता से ऊपर उठकर कोई महान सफलता प्राप्त की हो? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। कुछ परिस्थितियां हमारे नियंत्रण के बाहर होती हैं। अब हम सीखेंगे कि ऐसी परिस्थितियों का सामना कैसे किया जा सकता है। आइए एक उदाहरण के द्वारा ये जानने की कोशिश करते हैं। 10वीं की परीक्षा के बाद सविता को अपनी पसंद के विषय नहीं मिले। उसे तनाव हो रहा था कि वो उन विषयों को कैसे पढ़ेगी जिन्हें वो नापसंद करती है। उसकी सहेली ने उसका व्यवहार देखा और उससे बात करने का निर्णय लिया। आपको क्या लगता है, उसने सविता से क्या कहा होगा? कि वो पढ़ाई छोड़ दे, जो पढ़ रही है उसमें उत्तीर्ण होकर दिखाए, या फिर अपनी पसंद के विषय मिलने का इंतजार करे? पढ़ाई करना छोड़ दे, जो पढ़ रही है उसमें उत्तीर्ण होकर दिखाए, अपनी पसंद के विषय मिलने का इंतजार करे? पढ़ाई छोड़ने से समस्या हल नहीं होगी, बल्कि और बढ़ जाएगी और तनाव होगा। सविता को जो विषय चाहिए वो उसे जल्द नहीं मिल सकते, इसलिए इंतजार करने का भी कोई फायदा नहीं है। सविता की सहेली को ये कहना चाहिए कि उम्मीदें पूरी न होने से दुख तो होता है, लेकिन हालात से समझौता करके हम आगे बढ़ने के नए अवसर खोज सकते हैं। शुरुआत में हमें ये मालूम नहीं होता कि हमने जो समझौता किया है उससे हमें क्या फायदा होगा, पर सकारात्मक सोच रखने से मदद मिलती है। जिन तनावपूर्ण परिस्थितियों को हम रोक नहीं सकते उनमें ये करने से मदद मिलती है, जरूरत पड़ने पर हालात से समझौता करना। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? आपके एक मित्र को दक्षिण भारत में पढ़ने का मौका मिला है। उसे तनाव महसूस हो रहा है क्योंकि वो अपने माता पिता और दोस्तों से दूर एक नई जगह जाने वाला है। उसे वहाँ की स्थानीय भाषा भी नहीं आती। इस तनाव का सामना करने में आप उसकी मदद कैसे करेंगे? क्या दो विद्यार्थी इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। आइए अब एक और परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। सत्या को गंभीर बीमारी हो गई जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं सकता था। उसका इलाज बहुत लंबा चौड़ा था और उसमें काफी समय लगने वाला था। बिस्तर में पड़े पड़े वो उकता गया था। छोटी से छोटी चीज जैसे कि पानी पीने के लिए भी उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। अगर कोई उसे कुछ सेकंड के लिए भी इंतजार करवाता तो उसे गुस्सा आ जाता था। उसे लगता था कि लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे। क्या कोई एक विद्यार्थी इसका अभिनय करके दिखा सकता है? हमने देखा कि सत्या अपनी असहाय होने की परिस्थिति का सामना नहीं कर पा रहा है। यह समझा जा सकता है कि वो दूसरों पर निर्भर है और इस बात से कोई भी व्यक्ति परेशान हो जाएगा। लेकिन गुस्सा करके झुंझलाने से परिस्थिति सुधरने वाली नहीं है। उसे अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीखना होगा और अपनी भावनाओं को
उचित तरीके से व्यक्त करना होगा। ऐसी कठिन परिस्थितियों में अपने रिश्तों को और मजबूत करना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए जिन तनावपूर्ण परिस्थितियों को हम रोक नहीं सकते, उनमें ये करने से मदद मिलती है, जरूरत पड़ने पर हालात से समझौता करना, भावनाओं को उचित तरीके से व्यक्त करना। चलिए अगली परिस्थिति के बारे में जानते हैं। रमन और रजत बहुत अच्छे मित्र हैं। वे स्कूल में और स्कूल के बाहर काफी समय एक साथ बिताते हैं। एक बार उन दोनों के बीच जरा सी अनबन हो गई, तब से ही उन्होंने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। रमन और रजत दोनों के लिए यह तनावपूर्ण था। वे दोनों पछता रहे थे, इससे उनकी दिनचर्या और खाने पीने की आदतें बिगड़ गईं। दूसरों के साथ भी उनके रिश्ते बिगड़ने लगे। उन्हें क्या करना चाहिए? एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ झगड़ना चाहिए, या दिल खोलकर बात करनी चाहिए? एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ झगड़ना चाहिए, दिल खोलकर बात करनी चाहिए? अच्छे से अच्छे दोस्तों में भी अनबन तो होती ही है। कोई बहस या असहमति की वजह से तनावपूर्ण परिस्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे समय में एक दूसरे से दूर रहने से दरार कम नहीं हो सकती, झगड़ने से तो मामला और भी बिगड़ जाएगा। खुलकर ईमानदारी से बात करने से परिस्थिति को संभाला जा सकता है और ज्यादा बिगड़ने से रोका जा सकता है। जिन तनावपूर्ण परिस्थितियों को हम रोक नहीं सकते, उनमें ये करने से मदद मिलती है, जरूरत पड़ने पर हालात से समझौता करना, भावनाओं को उचित तरीके से व्यक्त करना, दूसरों के साथ ईमानदारी से और दृढ़ता से बात करना, जरूरत पड़े तो माफी मांगना। किसी दोस्त के साथ असहमति होने की वजह से क्या आपको तनाव हुआ है? इस परिस्थिति को आप दोनों ने कैसे संभाला? क्या आप इसके बारे में एक करीबी मित्र को बताना चाहेंगे? अपने अनुभव के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। आइए एक और परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। मदन का परिवार और उसके दोस्तों के परिवार साथ में पिकनिक मनाने गए। जिस बस से वे जा रहे थे वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, उसके एक दोस्त की टांग कट गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मदन को कई फ्रैक्चर हुए जिसकी वजह से उसने कई हफ्तों के लिए बिस्तर पकड़ लिया। मदन एक खिलाड़ी था और उसे इस परिस्थिति का सामना करने में बहुत परेशानी हुई। उसे लगा कि अब वो कभी खेल कूद में हिस्सा नहीं ले पाएगा। उसमें तनाव के लक्षण दिखने लगे। उसे क्या करना चाहिए? कृपया जोड़े बनाकर इस बारे में चर्चा करें और अपने विचार बताएं। हमने देखा कि हम जिन परिस्थितियों को रोक नहीं सकते, उन्हें बदलने का प्रयास कर सकते हैं। पर जिंदगी में बहुत सी बातें अनिश्चित होती हैं। कई बार ऐसे अनदेखे मोड़ आ जाते हैं जो किसी के नियंत्रण में नहीं होते। उनसे उभरने का एक ही तरीका है, उन्हें स्वीकार कर लेना। हद से ज्यादा तनाव सहन करना और उसका प्रभाव अपने भविष्य पर पड़ने देना नकारात्मक होता है।
दुर्भाग्यवश मदन अपने दुखों में इतना डूब चुका था कि उसे जीवन की अन्य मुख्य बातें नजर नहीं आ रही थी। उसी दुर्घटना में कुछ लोगों की जान चली गई और उसके एक दोस्त की टांग नहीं रही। अगर मदन इसका सकारात्मक पहलू देखे तो उसे ये एहसास होगा कि उस घटना के बाद भी वो जिंदा है और उसे बहुत ज़्यादा हानि नहीं पहुंची है। उसे ये आभास होना चाहिए कि उसकी असमर्थता तो कुछ ही दिनों के लिए है, आधुनिक सुविधाओं और तकनीकों से वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। उसकी भावनाएं अत्यंत व्यक्तिगत हैं और उसके दर्द से सबको सहानुभूति होनी चाहिए, पर उसे अपनी पीड़ा करीबी दोस्तों के साथ बांटनी चाहिए, सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। इससे उसे मानसिक रूप से सहायता मिलेगी। उसे अपने आगे के जीवन के बारे में सोचना चाहिए। मन में कड़वाहट रखने से उसे और दूसरों को भी कष्ट पहुंचेगा। तनावपूर्ण परिस्थितियों को स्वीकार करने के लिए इन चीजों से मदद मिलती है। ये समझना चाहिए कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। सकारात्मक रहना चाहिए। अपने करीबी लोगों के साथ अपनी परेशानी के बारे में बात करनी चाहिए। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? कल्पना कीजिए, मदन को ये आभास हो गया कि इस परिस्थिति को स्वीकार करने का एक बेहतर तरीका है। वो तय कर लेता है कि वो सकारात्मक सोच रखेगा। क्या आप में से एक विद्यार्थी आगे आकर इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद, बढ़िया अभिनय था। जब कोई व्यक्ति एक के बाद एक दुर्भाग्यशाली घटनाओं को झेल लेता है तो उसकी आत्मा चमकने लगती है। इस वजह से नहीं कि उसे दर्द महसूस नहीं होता, पर इसलिए कि वो व्यक्ति साहसी प्रकृति का होता है। एरिस्टोटल ने सही कहा है, कोई साहसी प्रकृति वाला व्यक्ति ही स्थिरता से तनावपूर्ण विपरीत परिस्थितियों को झेल सकता है। ऐसा नहीं है कि उसे तनाव महसूस नहीं होता, पर वो जानता है कि उस तनाव को कैसे झेलना है और उससे कैसे उभरना है। क्या अब हम आज सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? विपरीत परिस्थितियों के अनुकूल बनने के लिए हमें चीजों को अलग नजरिए से देखना चाहिए, मुख्य मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, सफलता और उपलब्धि के नए पहलू ढूंढने चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए। जिन तनावपूर्ण परिस्थितियों को हम रोक नहीं सकते, उनमें ये करने से मदद मिलती है। जरूरत पड़ने पर हालात से समझौता करना, भावनाओं को उचित तरीके से व्यक्त करना, दूसरों के साथ ईमानदारी से और दृढ़ता से बात करना, जरूरत पड़े तो माफी मांगना। तनावपूर्ण परिस्थितियों को स्वीकार करने के लिए इन चीजों से मदद मिलती है। ये समझना चाहिए कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। सकारात्मक रहना चाहिए। अपने करीबी लोगों के साथ अपनी परेशानी के बारे में बात करनी चाहिए। नमस्ते विद्यार्थियों, आप सबको देखकर बहुत खुशी हुई। पिछले सत्र में हमने सीखा था कि
विपरीत परिस्थितियों के अनुकूल बनने के लिए हमें चीजों को अलग नजरिए से देखना चाहिए, मुख्य मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, सफलता और उपलब्धि के नए पहलू ढूंढने चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए। जिन तनावपूर्ण परिस्थितियों को हम रोक नहीं सकते, उनमें ये करने से मदद मिलती है। जरूरत पड़ने पर हालात से समझौता करना, भावनाओं को उचित तरीके से व्यक्त करना, दूसरों के साथ ईमानदारी से और दृढ़ता से बात करना, जरूरत पड़े तो माफी मांगना। तनावपूर्ण परिस्थितियों को स्वीकार करने के लिए इन चीजों से मदद मिलती है। ये समझना चाहिए कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। सकारात्मक रहना चाहिए, अपने करीबी लोगों के साथ अपनी परेशानी के बारे में बात करनी चाहिए। क्या अब हम चर्चा करें कि तनाव से कैसे बचा जा सकता है? आप अपने दोस्त के साथ लघु नाटक की एक प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और उसका अभ्यास कर रहे हैं। आपका ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि आप पूरी तैयारी करें और अच्छी तरह अभ्यास करें। ये नहीं सोचना है कि आप प्रतियोगिता जीतेंगे या नहीं। क्या आप एक वार्तालाप के द्वारा ये बात समझा सकते हैं? कृपया दो विद्यार्थी स्वेच्छा से आगे आ जाएं। बहुत अच्छा प्रयास था, धन्यवाद। आपने अपने दोस्त के साथ बहुत अच्छी तरह अभ्यास किया है और प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। आप क्या करेंगे? अपना काम अच्छी तरह करने पर ध्यान देंगे? ये सोचेंगे कि आपको ज्यादा अभ्यास करना चाहिए था? ये योजना बनाएंगे कि आप प्रतियोगिता जीतने के बाद क्या करेंगे? अपना काम अच्छी तरह करने पर ध्यान देंगे? सोचेंगे कि आपको ज्यादा अभ्यास करना चाहिए था? योजना बनाएंगे कि आप प्रतियोगिता जीतने के बाद क्या करेंगे? आपका ध्यान सिर्फ नाटक पर होना चाहिए। आपको केवल अच्छा प्रदर्शन करने के बारे में सोचना चाहिए। ये सोचना कि आपको ज्यादा अच्छा अभ्यास करना चाहिए था या फिर जीतने के बाद क्या करना है उसकी योजना बनाना, इससे तनाव भी बढ़ सकता है। प्रतियोगिता खत्म हो गई है और आपको कोई इनाम नहीं मिला है, आप क्या करेंगे? क्या दो विद्यार्थी इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद, आपने अच्छा प्रयास किया। सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों को समान भावनाओं के साथ अपनाने से तनाव से बचा जा सकता है। मैं दोहराता हूं, सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों को समान भावनाओं के साथ अपनाने से तनाव से बचा जा सकता है। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से eLots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।